हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएट कॉसम थिंग्स। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो आज मैं इस वीडियो में आपके साथ कुछ ऐसे आइडिया शेयर करने वाली हूँ जिसको आप क्रिएट कर सकते हो आइदर एकदम फ्री में या फिर ऐसे जिसमें आपको बहुत ही कम स्पेंड करने की ज़रूरत हो। तो ये सारे आइडियाज़ का मेन इन्ग्रीडियंट एक ही है जो आपको थोड़ी देर में पता चलेगा, एंड उसके अलावा बाकी जो भी आइटम्स मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इजीली अवेलेबल होता है एंड मोस्टली कबाड़ ही होता है। तो आई होप ये सारे आइडियाज़ आपको पसंद आएंगे और इसके आउटकम्स तो अमेजिंग आए हैं, तो आई होप आपको वो सारे आउटकम्स भी पसंद आएंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले आइडिया के साथ, बट उससे पहले अगर आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो सो प्लीज़ एक सेकेंड लगेगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना बिकॉज इस तरह के वीडियोज़ मैं एवरी थर्सडेज एंड संडेज को शेयर करती हूँ। एंड आई होप आप एक आर्ट एंड क्राफ्ट एंथुजियास्ट है तो आपको इस तरह के आइडियाज बहुत ही पसंद आएंगे। तो चलिए अब बात करते हैं फर्स्ट क्राफ्ट की। तो यहाँ पे मैंने एक कार्डबोर्ड का पीस इस तरह से कट कर लिया है, मुझे राउंड चाहिए था बट मेरे पास इतना बड़ा कार्डबोर्ड नहीं था तो मैंने इसको सेमी सर्कुलर में कट कर लिया है एंड देन इसको अच्छे से कवर कर दिया सो दैट दोनों पार्ट अच्छे से फिक्स हो जाए एंड देन ये एक सर्कल ही लगे। अब इसके ऊपर मुझे चाहिए था मिरर, तो मैंने यहाँ पे ये मिरर स्टिकर का यूज़ किया है इसलिए इसको ऊपर से मैंने इस तरह से कट भी कर लिया है बिकॉज मुझे पर्टिकुलरली यही शेप चाहिए था। आपके पास कैसा भी मिरर है आप उसी को ही यूज़ कर सकते हो। तो इसको पेस्ट करने के बाद इसके साइड्स में यहाँ पे मैं ये जूट रोप का यूज़ करने वाली हूँ विच इज़ अगेन वेरी इकोनॉमिकल बिकॉज ये 10 रुपीज़ में 4 to 5 स्ट्रिंग्स इस तरह से आते हैं एंड इतना तो ये जितना छोटा मैंने यहाँ पे बनाया है उसमें 4 to 5 स्ट्रिंग्स लगेंगे भी नहीं, यानी कि ये 10 रुपीज़ के अंदर ही आप बना लोगे। बट इस तरह के मिरर्स बहुत ही ज़्यादा क्लासी लगते हैं, बहुत ही ट्रेंडिंग है, एकदम बोहेमियन लुक में आता है और ये इस तरह के मिरर्स आप कहीं पे भी प्लेस करो तो आपका घर में एक अलग एलिमेंट मतलब एक यूनिक काइंड ऑफ मिरर भी हो सकता है। तो देखो अब ये फिक्स करने के बाद इसके ऊपर मैं यहाँ पे पेस्ट करने वाली हूँ ये सी शेल्स जो मैं शायद 2-3 साल पहले किसी सी बीच से ले आई थी एंड ये सारे से मैंने बहुत सारे क्राफ्ट्स आपके साथ शेयर किया है और आज का जो वीडियो का मेन इंग्रेडिएंट है वो यही है। इसी से मैं 3 क्राफ्ट शेयर करने वाली हूँ, इसलिए मैंने पहले ही बताया कि आज का ये वीडियो में ऐसे आइडियाज है जिसको आप फ्री में ही ट्राई कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले इन सारे को पेस्ट करते हैं। इसमें मैंने और बहुत सारे थोड़े बहुत डिटेल्स ऐड किया है बट बहुत ही सिंपल है, विद इन 5 to 10 मिनट्स ही आप क्रिएट कर लोगे एंड बिल्कुल एक एक्सपेंसिव लुकिंग क्राफ्ट आपके पास भी हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कि इसको कंप्लीट करते हैं एंड देन इसका फाइनल आउटकम आपके साथ शेयर करते हैं। अब यहाँ पे सारे सी शेल्स पेस्ट करने के बाद मुझे चाहिए थे कुछ पर्ल्स बट मेरे पास इतने सारे पर्ल्स नहीं थे तो मैंने यहाँ पे बीन बैग से थर्मोकोल बीड्स निकाले एंड उन सारे को मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ। इसका लुक बिल्कुल ही पर्ल्स जैसा ही आता है और मुझे काफी सारे चाहिए थे तो मैंने यहाँ पे देखो काफी सारे पेस्ट कर दिया है। बहुत ही ईजी है इसको क्रिएट करना, ये क्राफ्ट आप बहुत ही ईजिली क्विकली क्रिएट कर सकते हो, बच्चों को दोगे तो उनको तो बहुत ही मजा आएगा इस तरह का क्राफ्ट क्रिएट करने में। तो देखो इसका फाइनल आउटकम कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है, डेफिनेटली बताना कि आपको ये आइडिया कैसा लगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आइडिया जिसके लिए आपको चाहिए सिर्फ 0 रुपीज, मतलब yes, ये आप फ्री में ही क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने यूज किया है ये बॉटल, किसी भी शेप एंड साइज का बॉटल आप ले सकते हो। मेरे पास ये वाला पर्टिकुलर बॉटल था और मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं इसी में ही ये पर्टिकुलर क्राफ्ट ये डिजाइन क्रिएट करूँ क्योंकि इस बॉटल का शेप मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। तो अब यहाँ पे ये बॉटल का जो स्टिकर है उसको मैंने लेवल को निकाल दिया है एंड उसके बाद इसके ऊपर क्योंकि हम पेंट करने वाले हैं तो इसलिए सबसे पहले इसको जेसो का एक कोट देंगे। बहुत अच्छे से जेसो अप्लाई करना है, अदरवाइज प्लास्टिक बॉटल है, शाइनी सरफेस है तो जिसके वजह से एक्रिलिक पेंट इसके ऊपर नहीं चढ़ेगा। वैसे आप चाहो तो आप एक्रिलिक पेंट पे थोड़ा सा सॉल्ट या थोड़ा सा बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा या
कॉर्नफ्लावर ये सारे चीज़ अप्लाई कर सकते हो, सो दैट आप अगर उस तरह का मैट फिनिश चाहते हो या फिर आप चाहते हो कि आपका जैसो नहीं है आपके पास, तो इन दैट केस एक्रिलिक पेंट उस तरह से स्टिक हो जाता है। ये मैंने यहाँ पे टिप इसलिए शेयर किया बिकॉज एक बार मुझसे किसी ने पूछा था कि मेरे पास जैसो नहीं है तो मैं क्या करूँ, तो आप ऐसा ट्राई कर सकते हो, ये भी वर्क करता है। तो अब देखो यहाँ पे जब जैसो अच्छे से ड्राई हो गया है उसके ऊपर मैं यहाँ पे एक्रिलिक पेंट से पेंट कर रही हूँ। तो यहाँ पे डिफरेंट शेड्स ऑफ ब्लू मुझे चाहिए बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ पे सारे शी सेल्स क्राफ्ट्स मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, तो इसको मुझे एक वाटर का लुक चाहिए था, डिफरेंट वेव्स एंड डिफरेंट शेड्स ऑफ वाटर स्काई यही सारे के जो लुक होते हैं वैसा चाहिए था। इसलिए मेरे पास जितने भी ब्लू कलर्स थे और बहुत सारे ब्लू कलर्स तो मैंने मिक्स एंड मैच करके भी क्रिएट कर लिया है। तो चलिए सबसे पहले इस बॉटल को पेंट करते हैं विद डिफरेंट शेड्स ऑफ ब्लू एंड देन देखते हैं कि इसमें और कौन कौन से एलिमेंट्स मैंने ऐड किए हैं। अब जब ये बहुत अच्छे से ड्राई हो गया है पेंट, उसके बाद ये जो फ्रूट्स आते हैं उसका ये नेट, इसको मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ। तो इससे जिस तरह से एक फिश नेट का लुक आता है ये वैसा ही लुक आएगा। तो यहाँ पे मैंने उसी को ही कट करके एक पीस इस तरह से पूरे बॉटल के बोथ साइड्स में इस तरह से उसको रैप कर दिया है एंड उसको सिक्योर करने के लिए मैंने यहाँ पे जूट रोप का यूज़ किया है। इसको अगर आप फेविकॉल से पेस्ट करते हो तो काफ़ी टाइम लगेगा, और अगर आप इसको ग्लू गन से पेस्ट करते हो तब तो वो मेल्ट हो जाएगा क्योंकि ये तो प्लास्टिक के नेट होते हैं। इसलिए प्रेफरेबली आप किसी ऐसे चीज़ से सिक्योर करें जो ये अपने पोजीशन में इसी तरह से रहे। इसलिए मैंने यहाँ पे जूट रोप का यूज़ किया है एंड उसके बाद सिंपली इस तरह से जितने भी सी शेल्स आप चाहते हो उस हिसाब से आप सारे को प्लेस करके एंड ग्लू गन से ही पेस्ट करना, बिकॉज अगेन फेविकॉल से भी आप कर सकते हो बट थोड़ा टाइम लगेगा एंड थोड़ा मेसी हो जाता है बिकॉज स्टिक प्लास्टिक के ऊपर ये स्टिक होने में थोड़ा टाइम लग जाता है, बट ग्लू गन से तो विद इन सेकेंड्स ही आप इसको पेस्ट कर लोगे। तो ये सारे पेस्ट करते हैं एंड देन इस पे भी मैंने पर्ल्स मेरे पास नहीं थे जैसे पहले बताया है, तो मैंने यहाँ पे भी वही सारे जो बीड्स हैं उन सारे को मैं पेस्ट करूँगी एंड इसका लुक बहुत ही ज़्यादा प्रिटी आया है। इस तरह से आप अगर छोटे वाले बॉटल पे करते हो तो इन दैट केस आप उसमें प्लांट भी रख सकते हो। मैंने यहाँ पे इसको एज अ लाइट के लिए ही रखा है, तो इसके अंदर मैं फेरी लाइट्स ही डालूंगी एंड उसके बाद इसका फाइनल लुक देखते हैं। तो अब बस ये कंप्लीट है, इसके अंदर सिर्फ फेरी लाइट्स ऐड करना है एंड देखो ये कितना ज़्यादा प्रिटी लग रहा है। तो आप भी इस आइडिया को ज़रूर ट्राई कर सकते हो और ये तो आपने देखा कि बिल्कुल ही फ्री में ही कर सकते हो। तो ज़रूर बताना कि ये आइडिया आपको कैसा लगा। एंड लास्टली मूविंग ऑन टू द थर्ड वन, जिसके लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है ये कार्डबोर्ड का पीस एंड थोड़ा सा मोल्डेड और उसके साथ साथ ये सारे सी शेल्स। तो ये क्राफ्ट मैंने बचपन से देखा है, मतलब कि इस तरह के क्राफ्ट आप किसी भी शी बीच पे चले जाओ वहाँ पे आपको मिलेगा। तो ये जो स्वान वाले शो पीसेस होते हैं, ये कपल स्वान का शो पीस, ये हमारे घर में बचपन से ही था, मतलब हम कभी भी किसी भी सी बीच में जाते थे तो ये वाला क्राफ्ट जो है शोपीस हम हमेशा ही खरीदते थे। तो अभी तो वो सारे बहुत सारे हैं और बहुत सारे टूट भी गए हैं, तो मुझे लगा कि मैं अपने लिए एक ऐसा क्रिएट करती हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये पर्टिकुलर क्राफ्ट को क्रिएट करने का डिसाइड किया। बस थोड़ा सा उसमें डिफरेंस रहेगा बिकॉज वो थोड़ा डिफरेंट दिखता है और यहाँ पे मैंने थोड़े से अपने भी एलिमेंट्स यहाँ पे ऐड किए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ये स्टेप्स सारे एक के बाद एक करना है, मतलब एक साथ आप इस क्राफ्ट को एक ही बार में नहीं क्रिएट कर सकते क्योंकि ये मोल्डेड क्ले से है, तो जब तक ये ड्राई नहीं होगा तब तक ये ऐसा स्टिफ नहीं बनेगा।
तो यहाँ पे ये स्वान का सबसे पहले मैंने इस तरह से नेक बना लिया है एंड उसका जो बॉडी के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये शेल्स। तो इस तरह से मैं दो बना लूँगी एंड इसको अच्छे से हम ड्राई करेंगे एंड उसके बाद हम इसको स्टैंडिंग पोजिशन में रख सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप बिगिनिंग में ही रखोगे तो ये नेक ऑब्वियसली बेंड हो जाएगा और इस तरह से स्टिफ नहीं रहेगा। तो यहाँ पे अब इसको फिक्स करते हैं। फिक्स करने के लिए अगेन इस बेस पे मैंने मोल्डेड क्ले का यूज़ किया है एंड उसी पे इसको अच्छे से हम फिक्स करेंगे। तो एक के बाद एक जब ड्राई होते रहेगा तब जाके आपका ये पूरा क्राफ्ट कंप्लीट होगा। तो अब देख लो कि और बाकी इसमें मैंने कौन कौन से एलिमेंट्स ऐड किया है, उसके बाद इसका फाइनल आउटकम आपके साथ शेयर करती हूँ। अब ये बेस पे मैं यहाँ पे एक्रिलिक पेंट से पेंट भी कर दूंगी बिकॉज ये थोड़ा वाटर इफेक्ट देना चाहती थी। तो डिफरेंट शेड्स ऑफ ब्लू के साथ मैं इसको कंप्लीट करूँगी एंड इसके साथ साथ कुछ और भी एलिमेंट्स ऐड करना था मुझे, जिस तरह से लाइक थोड़े से फ्लावर्स, थोड़े से लीव्स, तो वो सारे भी मैं थोड़े बहुत मोल्डेड क्ले से क्रिएट करूँगी एंड बाकी को मैंने ग्रीन पेंट से ही लीव्स वगैरह इसमें डिटेलिंग्स ऐड किया है। बहुत ही ईजी है, आप इसको अपने वे में कस्टमाइज कर सकते हो। आप इसमें और भी अगर बहुत सारे एलिमेंट्स ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो। मैंने इसको काफ़ी सिंपल रखा है, मतलब बहुत छोटा सा ही ये शो पीस है, बहुत ज़्यादा बड़ा मैंने इसको नहीं रखा है बिकॉज मुझे इसी तरह से ये छोटे से क्यूट से ही चाहिए थे। तो यहाँ पे देखो अब इसके बाद ये स्वान के आईज और ये बीक, ये सारे थिंग्स मैं यहाँ पे ऐड करूँगी एक्रिलिक पेंट से एंड उसके बाद इसको हम कंप्लीट करेंगे। इसमें तो आप जितना ज़्यादा डिटेल्स वगैरह ऐड करना चाहो कर सकते हो। देखो इसके बेस पे अब यहाँ पे ग्रीन लीव्स वगैरह भी मैंने ऐड कर दिया है एंड छोटे छोटे व्हाइट एंड पर्पल फ्लावर्स भी मैंने इस तरह से एक्रिलिक पेंट से ही ऐड किया। थोड़े से हाइलाइटेड एलिमेंट्स के लिए मैंने यहाँ पे छोटे छोटे इस तरह से मोल्डेड क्ले के फ्लावर्स कट करके रखे थे, उनको भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो अब ये कार्डबोर्ड का बेस पे मैंने कोई भी इसके एजेस को हाइड करने के लिए बिगिनिंग में इसमें नहीं ऐड किया था टिश्यू पेपर वगैरह, तो एजेस काफ़ी अनइवन थे, तो यहाँ पे मैंने इसलिए इस तरह से एक ब्लैक थिक थ्रेड यहाँ पे ऐड करूँगी सो दैट इसका बेस जो है वो साइड से इवन लगे। अब ये कंप्लीट है, इसमें तो आपको वार्निश वगैरह की भी ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से मैंने इसको कंप्लीट किया, देखो कितना ज़्यादा प्यारा एंड क्यूट लग रहा है। तो ज़रूर बताना कि ये सारे आइडियाज़ आपको कैसे लगे और अभी तक अगर आप वीडियो देख रहे हो इसका मतलब डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ पसंद आया होगा। तो वीडियो को जाते जाते एक लाइक भी कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और मैं आपसे मिलती हूँ मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए एज आई ऑलवेज से टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैप्पी क्राफ्टिंग।